हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रही हूँ मसाला भिंडी। देखिए यहाँ ताज़ा भिंडी लीजिए, जो कि थोड़ा सा अगर मुरझाया हुआ भिंडी रहे तो वह मतलब पूरा उसका गल जाता है, बनाते बनाते हुआ पूरा उसका छिलका निकल जाता है, दाना निकल जाता है। तो ये ताज़ा भिंडी ली हूँ। और देखिए ये बड़ी भिंडी है, इसको दो टुकड़ा कर रही हूँ, और जो छोटा है उसका सिर्फ गुंडी निकाल ऊपर का निकाल के उसको छोड़ दे रही हूँ। ऐसे करके सारी भिंडी को मैंने काट ले रही हूँ। और इसमें क्या डालना है, यही मैं मसाला डाल रही हूँ। यहाँ देखिए, तो चलिए इसको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए नमक, यहाँ नमक ले ली हूँ एक चम्मच, और एक चम्मच जीरा पाउडर है, और उसी में काली जीरा का पाउडर है, काली मिर्च पाउडर बस, और मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप स्वादानुसार डालें, ज़्यादा अगर नहीं खाते हैं, तीखे बच्चे हैं तो कम डालें। आधा चम्मच जैसा मैंने यहाँ मिर्ची डाली हूँ। और ऐसे करके ही सारे भिंडी में ऐसे ही हाथों से इसको डालते हैं, और इसका स्वाद अलग होता है। ऊपर से डालते हैं उसका स्वाद अलग। इधर कढ़ाई गर्म होने दे दिए हैं। कढ़ाई में यहाँ दो चम्मच तेल डाल रही हूँ, पंचफोरन डाल दे रही हूँ, और बस कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें अब भिंडी डाल देते हैं। इसमें भिंडी डाल दिए हैं। ये तो मसाले सारे डाल दी थी, हल्दी नहीं डाली हूँ, चलिए हल्दी डाल दे रहे हैं। इसमें एक चम्मच हल्दी डाल दिए हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के दो तीन बार इसको एक एक मिनट में ढक के, इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। इसको ढक ढक के ज़्यादा कम भी नहीं करना है फ्लेम, और ज़्यादा तेज भी नहीं करना है, जल जाएगा, कम कीजिएगा तो गल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम में इसको देखिए ढक दी हूँ, और इसको एक दो बार ऐसे ही पका ले, उठा ढक ढक के पका ले रही हूँ। इसमें मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं डाली, ना प्याज ना टमाटर। देखिए इसका स्वाद बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप ज़रूर एक बार बनाइए, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे। बहुत आदमी है कि प्याज वाले नहीं खाते हैं। ये देखिए मसाले हैं, ये मसाले वही जो है नमक मिर्चा है वही है, और प्याज वगैरह कुछ नहीं है। तो बिना प्याज का भी जो नहीं खाते लहसुन प्याज, उसके लिए भी भरा हुआ भिंडी की तरह बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। तो चलिए बनाइए आप सब भी, कौन कौन बना रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रेड वाले आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही मैं इसको चारों ओर पसार दी, और फिर इसको ढक दी हूँ। ढकने के बाद ये देखिए भिंडी तैयार हो गया है मेरा बनके, और कितना ही लाजवाब बना है, जितना देखने में उससे अच्छा खाने में लगेंगे। तो ज़रूर बनाइए और खाइए।